केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि समान नागरिकता संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर बीजेपी अड़िग है पार्टी इसमें दो कदम भी पीछे नहीं हटने वाली है साथ ही नागरिकता संशोधन कानून यानी कि को लेकर भी मोदी सरकार के इरादे स्पष्ट कर दिए इस देश का कानून बताते हुए शाह ने कहा कि ये जरूर लागू होगा ये बात उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कही है नमस्कार मैं कोमल सिन्हा आप देख रहे हैं न्यूजे शाह से जब पूछा गया कि आर्टिकल 370 राम मंदिर यूसीसी बीजेपी के कोर मुद्दे हैं आर्टिकल 370 हट गया राम मंदिर बन रहा है लेकिन यूसीसी की बात बीजेपी राज्यों में कर रही है इसे देश में लागू करने के लिए पार्टी की क्या सोच है इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा इसे आप बीजेपी के एजेंडे के रूप में देश के जनता के सामने प्रस्तुत मत कीजिए यह संविधान सभा का देश के विधानमंडल और संसद को एक शासन देश था राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद चौवालिस में हमारी संविधान सभा ने कुछ ऐसी चीजें रखी थी जो आजादी के तुरंत बाद संविधान सभा लागू नहीं कर पाई थी तो उसे अनुच्छेद चौवालिस के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक तत्व नीति में लाया गया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड उनमें से एक है आपको बता दें कांग्रेस ने वोट बैंक पॉलिटिक्स में इसे पीछे छोड़ दिया है वो कैसे आपको बताते हैं उन्होंने कहा यानी कि अमित शाह ने कहा, ने कहा ये बात अलग है कि बाद में में बैंक की पॉलिटिक्स कांग्रेस ने इसको पीछे छोड़ दिया और संविधान सभा में ज्यादातर कांग्रेस के ही नेता थे सबसे बड़े कांग्रेस के नेता उनमें बैठे थे और उन्होंने ही ये बनाया था परंतु बीजेपी ने इसको पकड़ कर रखा है क्योंकि किसी भी धर्म निरपेक्ष शासन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि सब धर्मों के नागरिकों के लिए एक कानून हो मगर कांग्रेस ने इसको भुला दिया वोट बैंक के कारण भारतीय जनता पार्टी इसे नहीं मानती है हमारे 1950 से जितने भी चुनावी संकल्प पत्र हैं, उसका एक ही दावा है कि देश में बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास कर रही है यूसीसी का एजेंडा है बीजेपी आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है जहां तक इसे राज्य में लागू करने के प्रयासों की बात है तो देखिए कॉमन सिविल कोड यानी कि यूसीसी बहुत बड़ा सामाजिक और लगिन परिवर्तन है इस पर सबकी राय होनी चाहिए तो एक राज्य दो राज्य तीन राज्य अगर इसको करते हैं कमिटियां बनती है इसकी सुनवाई होती है लाखों लोगों से मिला जाता है और इसके अभि अभिप्रासों के आधार पर एक कानून बनाया जाता है इसकी लीगल सिक्योरिटी यानी कि कानूनी जांच पड़ताल भी होगी और उसके बाद में जो मिच्योर चीज होगी वो ऑटोमेटिकली सारा देश स्वीकार करेगा इसका मुझे पूरा भरोसा है मगर आप ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने पर अड़े है और इनमें हम कहीं भी दो कदम पीछे नहीं हटने वाले हैं सी देश का कानून लागू होना तय है इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सी को लेकर कहा सी देश का कानून है और ये पार्टीशन यानी कि बंटवारे के बाद जो हिंदू भाई बहन विशेषकर और बाकी छह धर्मों के जितने भी मतावलंबी पाकिस्तान बांग्लादेश और अन्य देशों में रह रहे थे इनके साथ जो धार्मिक प्रताड़ना हुई उससे न्याय दिलाने का एक इंस्ट्रूमेंट यानी कि एक औजार है उन्होंने आगे कहा मैं आज आपके माध्यम से देश की जनता को यह कहना चाहता हूं कि सी ए देश का कानून है इसका जरूर इंप्लीमेंटेशन होगा और सी ए देश में लागू जरूर होगा विशेषकर माइनॉरिटी में और विशेषकर मुसलमानों में इसका अप्रचार किया गया है कि इसके आपकी नागरिकता चली जाएगी CAA किसी भी नागरिकता को लेने का नहीं बल्कि देने का है ये नागरिकता लेने का कानून नहीं है ये नागरिकता देने का कानून है ये निश्चित रूप से लागू होगा उचित समय पर CAA जरूर लागू होगा ये स्पष्ट है इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेने का संकल्प भी दोहराया उन्होंने कहा मैं मानता हूं कि पीओके पर अनाकृत कब्जा किया गया है और ये भारत का हिस्सा है इसे हम जरूर वापस लेंगे फिलहाल आज के लिए बस इतना ही ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज ऑन टूडे ज़रूर सब्सक्राइब करें